आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। हाथरस में टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। नजीर मुसलमान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 दिन पहले मृतक हो चुके वृद्ध युवक को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई, जिसके बाद परिजनों के पास दूसरी वैक्सीन की डोज लगवाने का मैसेज पहुंचा। इतना ही नहीं, परिजनों के मोबाइल फोन पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी पहुंच गया। सर, ये एक कल वैक्सीन का मामला है, जो विनोद अग्रवाल है, बहरान गली मुसान निवासी, जिनको वैक्सीन लगी हुई है 28 जनवरी को और जिनकी मृत्यु 9 जनवरी को पहले हो चुकी है। क्या है मामला? इस मामले में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों के पत्रकारों के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी। उनकी वैक्सीन शायद 2021 में, एग्जैक्टली नहीं पता, शायद मई के महीने में लगी है। अब कोविशील्ड लगा हुआ तो मई के महीने में वैक्सीन लगी तो 84 वर्क डेज के बाद ड्यू हो जाती है। मई का मतलब हो गया जून, जुलाई, अगस्त में ड्यू हो रही है ऑलमोस्ट। अब हो सकता है कि जैसा संभावना दिखाई जा रही है कि मृत्यु के बाद तो किसी को वैक्सीन लगाना संभव है नहीं, तो हो सकता है अगस्त या सितंबर में इनकी वैक्सीन लग गई हो। अब क्या होता है कि कई जगह सिग्नल का इश्यू होता है, पोर्टल पे जब एंट्री होती है तो उसी जो मैसेज आता है वो पोर्टल के थ्रू। बस्ती में शातिर अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने अपहरण के मामले में कार्रवाई की है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। 4 टीमों का गठन करते हुए अपहृत बच्चे के कोनेपाल बरामद किया है और 5 लाख की फिरौती की मांग करने वाले नेपाली युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चार टीमें बनाई और 4 टीमों ने बच्चे के ढूंढने के लिए, चूंकि नेपाल का रहने वाला था तो नेपाल बॉर्डर और आसपास के रेलवे स्टेशन और बसों के आसपास हमने अपना जाल फैलाया। हमारे द्वारा फैलाए गए जाल में अल्टीमेटली ये नेपाली युवक बुटवल, नेपाल में जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट का रूपनदेही, वहाँ के बुटवल में पकड़ा गया, जिसमें नेपाल पुलिस ने भी हमारी भरपूर सहयोग किया। वहाँ पर कल दोपहर में हमने बच्चे को बरामद किया और फिर जैसे प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत बच्चे को वहाँ से लाकर माँ बाप को सुपुर्द कर दिया गया है। नेपाली युवक जो देवेन कुमार है, उसको नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसको अभी एक्सट्रेडिशन कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सोजी और गौरीगंज की पुलिस टीम ने 3 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने शातिरों के पास से लूट कर 15,000 रुपए, 2 अवैध तमंचा, 2 कारतूस, 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। बता दें कि बीते 11 जनवरी को लुटेरों ने बैंक से पैसा निकाल कर घर जा रहे बुजुर्ग से तमंचे के बल पर 45,000 रुपए लूट लिए थे। वहीं एसपी दिनेश शर्मा ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 का इनाम दिया है। 11 जनवरी की घटना है, जब एनी बेजल निवासी मोहम्मद हमीद गौरीगंज स्टेट बैंक शाखा से 45,000 रुपये निकाल कर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उनसे 3 अज्ञात अभियुक्तों ने पैसे तमंचे दिखाकर छीन लिए थे। घटना अज्ञात थी, टीमें गठित करके प्रयास शुरू किया गया और पुलिस को सफलता मिली। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, राम सिंह जो कि सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ निवासी है, कबीर पटेल जो कि रीवा मध्य प्रदेश का है और सुनील तिवारी जो सिद्धार्थनगर। इन लोगों के पास से लूट का 15,000 रुपये बरामद हुआ है, तमंचा बरामद हुआ है और इन्होंने घटना का इकबाल भी किया है। ये एक अच्छी सफलता पुलिस को मिली, क्योंकि घटना अज्ञात थी और मुजरिम दूर के थे, लेकिन पुलिस ने बहुत मेहनत करते हुए इसको अनावृत किया है। इसलिए उनको 5,000 रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहा हूँ, एसओजी टीम को और साथ ही साथ गौरीगंज की टीम को। इन अभियुक्तों से पूछताछ की गई, भी इनके अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पूछताछ से पता चला ये अधिकांशतः टप्पेबाजी किया करते थे, इस बार टप्पेबाजी में सफल ना होने की स्थिति में इन्होंने तमंचा दिखाकर पैसे छीन कर लूट। देवरिया में सदर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर पुरुषोत्तम नारायण सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। इस मौके पर सदर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि बीजेपी सरकार केवल झूठ और फरेब की सरकार है, भाजपा सरकार में केवल लोगों के साथ छल हुआ है। अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा और जिले में विकास के काम को बढ़ावा दिया जाएगा। पानी की समस्या यहाँ जो है, सीवर की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, उसको दूर करेंगे, अतिक्रमण को दूर करेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे
और बैतालपुर शुगर मिल को चलाने का काम करेंगे, गौरी बिहार शुगर मिल को चलाने का काम करेंगे, एथलान की फैक्ट्री लगे, चीनी मिल लगे, ये मेरा प्रयास रहता, क्योंकि यहाँ के नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई हाथों में काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी विकास में विश्वास करती है, विकास के रास्ते पर चलती है, कांग्रेस ने जो विकास किया उनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार और मायावती बहन मायावती की सरकार चीनी मिलों को बेचकर समाप्त कर दिया। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद यही मुद्दा रह गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उसके सहयोगी हैं अजय कुमार लल्लू जी। इन लोगों के संघर्षों और सहयोग का ये परिणाम ही कांग्रेस पार्टी आज संघर्ष कर रही है। और कांग्रेस पार्टी मामला हरदोई के जिले कोसगंज क्षेत्र का है, जहां दुकानदार कई महीनों से बियर की तय मानक मूल्य से अधिक दाम पर बियर बेच रहा था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो दुकानदार ने दबंगई देते हुए चुनौती दी कि यहां का खुला रेट है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी वन निषाद के नाम घोषित हुए, जिसके क्षेत्र लोगों ने नारेबाजी की है। लोगों ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का पुतला फूंक कर विरोध व्याप्त किया। ईश्वरचंद जायसवाल के लिए टिकट की मांग की गई थी, लेकिन संजय निषाद ने ईश्वरचंद जायसवाल को टिकट न देकर अपने बेटे श्रवण निषाद को प्रत्याशी बनाया है। रायबरेली में 180 सदर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। बता दें कि सदर प्रत्याशी गौरव सिंह के नामांकन किया है। गौरव सिंह ने नामांकन के समय आम आदमी कार्यकर्ताओं से काफी ज्यादा खुशी दिखाई है। नामांकन के बाद आप प्रत्याशी गौरव सिंह ने कहा है कि प्रदेश में हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां दौरे से पहले दिन वो सिविल लाइन इलाके में स्थित एक लॉज में पदाधिकारी बैठक आयोजन में शामिल हुए। बैठक में गोरखपुर मंडल से बीजेपी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर संगठन की ओर से चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं कार्यकर्ता भी इस बैठक को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि कल सीएम कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने वाले हैं। मिर्जापुर शहर में कांग्रेस के अध्यक्ष राजन पाठक बने नगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को टिकट मिलने पर राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा से उब चुकी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। इसी के साथ उन्होंने जनता से अपील की है कि भारी संख्या में वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाए। यहाँ की सोच सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी युवा के लिए रोजगार है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या ये पीतल का उद्योग जो भी यहाँ है, कालीन का है, ये सब चीज़, पत्थर का भी रोजगार, ये सबको बढ़ावा देना, क्योंकि आज के समय में महंगाई, भ्रष्टाचार जो हो गया है, किसी को बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, किसी प्रकार रोजी रोजगार न होने से सभी युवा भटक गए हैं, किसान त्रस्त हैं, महिलाएं परेशान हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार से संबंधित मुद्दे को लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे और उनकी समस्या का पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो वही चुनावी रण में पार्टियों के बीच घमासान जारी है। ऐसे में गोरखपुर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 10:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के नामांकन को लेकर सिक्योरिटी ने अपनी पीठ के जरिए सुरक्षा का खाका भी तैयार कर लिया है। और जिला प्रशासन की माने तो कोरोना और चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार नामांकन को संपन्न कराया जाएगा। जगह जगह पर सीसी टीवी कैमरे भी लगा दिए गए। मैनपुरी के वेबर में मौसम में काफी बदलाव हुआ है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। जगह जगह पर बरसने का
नजारा दिखाई दिया है। पानी गिरने से ठंड ने फिर दस्तक दे दी है। किसानों की फसल पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। शीतलहर के चलने से ठंड फिर एक बार अपने चरम पर पहुंच गई है। किसानों की माने तो बारिश की वजह से उनकी फसल को भी ज्यादा नुकसान हुआ है। आज दोपहर 2-3 बजे बारिश हुई और ओले पड़े और तेज हवा के कारण ये सरसों और लाके गेहूँ की फसल सारी बर्बाद हो गई हमारी। ओले लगभग कितने साइज के पड़े थे? ऐसे मटर के साइज के थे ओले। अच्छा, देवरिया में विधानसभा चुनाव 2022 के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने विकास भवन के गांधी सभागार में जनपद के सभी बैंकर्स के साथ बैठक की। बैठक में लंबे समय से निष्क्रिय खातों में होने वाले बड़े ट्रांजैक्शन की सूचना नियमित रूप से चुनाव कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने और एथिकल वोटिंग को प्रोत्साहन देता है। चुनाव के दौरान कुछ लोग मतदाताओं को विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देकर उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। ऐसे में लोगों पर लगाम लगाने के लिए जनपद की समूची बैंकिंग प्रणाली को अधिक जिम्मेदारी से काम करना होगा। तो वहीं एक के बाद एक कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं। सहारनपुर में भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि वालिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। शशि वालिया की अगुवाई में राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय वालिया और कांग्रेस एसटी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरविंद पालीवाल के साथ साथ कई ग्राम प्रधानों सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी में उम्मीदवारों को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इसी के साथ महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि आज हर व्यक्ति भाजपा की नीतियों से प्रभावित हो रहा है। आज अपने तमाम समर्थकों का, जिसमें हमारे एससी एसटी के जिलाध्यक्ष भाई अरविंद पालीवाल जी, हमारे राजीव गांधी पंचायत प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई संजय वालिया जी, हमारे प्रधान संजय वालिया प्रधान ग्राम कदमपुरा, भरत सिंह जी धतोली रांगड़, शेरू वालिया जी टोपरी, चंद्रपाल जी फतेहपुर, अरविंद पालीवाल जी राजेश प्रधान जी सुल्तानपुर और हजारों साथी महिलाएं सैकड़ों की तादाद में, चूंकि बारिश ने थोड़ा व्यवधान डाला फिर भी इतनी संख्या में लोग आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और सबने आदरणीय मोदी जी और योगी जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है और मेरी उम्मीद है कि जनपद की सातों सीटें हम अपने तमाम साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कंधे से, हम तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी हैं, सब लोग मिल करके सातों विधानसभाओं पर जीतने का काम। रायबरेली जिले की सबसे चर्चित सीट 180 सदर विधानसभा में कांग्रेस ने आखिरी दिन अपना प्रत्याशी उतारा है। चौथे चरण के नामांकन के आखिरी दिन पर प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सिंह ने नामांकन किया। माना जा रहा है कि डॉक्टर मनीषा सिंह ने चुनाव में आने से पहले जिले की सदर विधानसभा की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी से अदिति सिंह, समाजवादी पार्टी से आरपी यादव पहले ही नामांकन कर चुके हैं। जनता का बीच में से आया हूँ, देखना क्या, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना करूँगा। मैंने आपको बोला कि मेरा अपना एक विचारधारा है, अपनी चीज है। कांग्रेस ने मेरे पर भरोसा जताया है, माननीय प्रियंका जी ने, माननीय सोनिया जी ने, तो मैं उनके उस पर आगे बढ़ूँगा चीज़ें। और जो चीज़ें मैंने वही कहा कि जो अधूरी रह गई हैं मुझे उसको करना है, जो विकास लोग कह रहे हैं, जो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं इतने सालों से, मैं उस चीज़ों को दूर करूँगा पूरी तरह। वहीं अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिले की पुलिस के अलावा पीएस और सीआरपीएफ के टुकड़ियों को भी विधानसभा चुनाव में लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। एसपी सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया को सकुशल शांतिपूर्वक ढंग से लागू करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रतिबंध किए गए हैं। अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस लगाई गई। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज तीसरा दिन है और अभी भी पिछले दो दिनों में नामांकन नहीं हुआ, आज हो रहे हैं नामांकन, और इसको लेकर के पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है। और जो ट्रैफिक डाइवर्जन
और सभी थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मेन मेन पॉइंट्स पर लगाए गए हैं और जो भी व्यवस्थाएं हैं महिला पुलिस बल महिला थाना प्रभारी वो सब लगे हैं, पीएससी बल लगा है। केंद्र सरकार द्वारा सभी लोकसभा बजट पेश करने के बाद जैसे ही लोगों को बजट की जानकारी हुई, कुछ ने तो बजट को आम जन के लिए बेहतर बताया तो वहीं कुछ महिलाओं ने इस बजट को महिलाओं के हिसाब से ठीक नहीं बताया। केंद्रीय बजट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर टैक्स बढ़ाए जाने पर महिलाएं निराश दिखी, वहीं घरेलू गैस के दाम कम नहीं किए जाने को लेकर महिला इस बजट को लेकर खासा नाराजगी है। वहीं व्यापारी वर्ग के अनुसार सरकार को ऐसा बजट बनाना चाहिए था जो व्यापारियों के हित में रहे। इस बजट में सरकार कोरोना काल में व्यापारियों को हुए नुकसान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। कुछ ऐसा वो काम करें जिससे महंगाई घटे, किसानों को कुछ ऐसा करें जैसे ट्यूबवेल की बिल है, दुनिया भर की बिलें हैं, आज 1400-1500 रुपये महीने बिल है उसकी। किसानों का बोझ घटाना चाहते हैं, उसके बिजली का बिल कम करें। जो डोमेस्टिक कनेक्शंस है और 7 रुपया यूनिट जो बिल ली जा रही है उसमें वो कटौती करें। इस तरह से महंगाई खुद ब खुद घटेगी, तो महंगाई पे विशेष ध्यान दें। और 2 साल में जो व्यापारियों ने झेला है और सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया है, 2 साल कोई पूछने वाला किसी पार्टी का नेता व्यापारियों से नहीं आया, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, ये सबके नेता अपने घर में बैठे रहे हैं और घर में बैठ के खाली वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी को कहीं कोई सहयोग नहीं मिला है। महंगाई चरम सीमा पे है, उसका गवर्नमेंट ध्यान रखे। महंगाई कैसे कम हो सकती है उसको गवर्नमेंट उसकी प्लानिंग उसको बनानी चाहिए। पैसे बढ़े हैं तो सामान पे दाम बढ़ रहे हैं, हाँ पैसे कम रहते हैं तो सामान के दाम भी कम रहते हैं, सब बराबर है, संतुष्ट है। हाँ एकदम हम लोग संतुष्ट हैं, हाँ भाजपा सरकार आए फिर आए, हल्ला बोल के आए भाजपा सरकार। बजट में तो केवल सरकार का ही फायदा है, व्यापारियों का फायदा कहाँ है? व्यापारियों को कोई फायदा नहीं है। सरकार को ऐसा बजट लाना है कि कोरोना में जो हम परेशान हुए हैं उसके बाद जो व्यापारियों के ग्रोथिंग कैसे हो, ऐसा बजट चाहिए, न कि उनके हिसाब का बजट चाहिए। ये तो उन्हीं के केवल सरकार का ही बजट है। ये कारपोरेट घरानों को 18-15% टैक्स किया गया है तो नहीं, अभी तो व्यापारियों ने हमारे कपड़े लाइन के लोगों ने अभी कितना हल्ला मचाया, तो जाकर के 5% को 5% रहने दिया गया, नहीं तो 12% ही करने वाले थे। कितना खाएंगे व्यापारियों से, केवल व्यापारी खिलाएगा सरकार को। पीलीभीत में युवक की सहारनपुर में हुई हत्या के बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी विधायक संजय गंगवार पीड़ित के घर पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढाढ़स बनाया। इसी बीच बीजेपी विधायक ने पत्रकारों से हुई बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि गैर हिंदू समुदाय के लोगों ने युवक की हत्या की है। इसी से साथ विधायक ने शातिर अपराधियों को सुधर जाने की चेतावनी भी दी है। वो गायब थे तो उनकी 5 लाख की कमेटी चल रही थी, तो फिरोज नाम का जो आदमी है उसने बुलाया था मतलब सियाराम को और सौरभ को कि हमको तुम्हें रुपए देने हैं, आ जाओ घर पे। तो जैसे शाम को गए थे लगभग मैं 7 बजे उसके घर पे देने और रुपए लेने गए थे, तब से इन लोगों ने उनको पहले बांध के रखा था, फिर उसी रात में उसका मर्डर कर दिया। फिर दूसरी रात में जो लोग कार से ले गए थे उसको फेंक के आए थे नदी में। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र को मैं अपना परिवार मानता हूँ और ये मेरे परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई। मेरे जैसे ही यह जानकारी संज्ञान में आई मैंने तत्काल वहाँ के SP महोदय से बात करी, मुकदमा पंजीकृत हुआ, उनकी अरेस्टिंग भी कराई और अरेस्टिंग कराने के बाद जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ पूरी सख्ती से कानूनी कार्रवाई हुई। विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले 1 माह के भीतर सहारनपुर पुलिस ने 5 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। इसी कड़ी में थाना मंडीपुर पुलिस ने एक और शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है जहां खाताखेड़ी इलाके के एक नवनिर्मित मकान में हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं जबकि 1 आरोपी शकी फरार होने में कामयाब हो गया। फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। जनपद सहारनपुर पुलिस का एक अवैध शस्त्रों के विरोध में एक बृहद अभियान चल रहा है जिसके क्रम में पिछले 10 दिनों में 8 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी हैं। अवैध शस्त्र के कारोबार करने वाले लोगों के हमने अरेस्टिंग की है। 300 से ज़्यादा अवैध हथियार जो चुनाव में प्रयुक्त होने वाले थे उनको हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा कल रात थाना मंडी में खाताखेड़ी स्थित
एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री को हम लोगों ने रिकवर किया है, जिसमें से मोहसिन और शहजाद नाम के दो क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री बनाने के इल्जाम में जेल जा चुके थे। वहीं संभल के असमोली विधानसभा 32 में कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम लगातार सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जगह जगह अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार मैं विधायक बनूंगा तो विकास नैया पार कर दूंगा और महंगाई को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने कहा असमोली को तहसील बनाने का बड़ा मुद्दा है और शिक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। असमोली की जनता बहुत भोली भाली थी, अब जनता जाग चुकी है, अब जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। नामांकन के संबंध में पूरी तैयारी आप ली है, जिसने हमारे अपने अपने छोटी कमियाँ होती है उसको शाम कर दी गई, पुलिस फोर्स सुरक्षा कर दी गई है, बैंक करा दिया गया है। अलीगढ़ के थाना टप्पल पुलिस की तरफ से शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए शराब तस्करों के पास 80 पेटी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद किए गए शराब की कीमत लाखों में बताई है। खबर बदायूं से है, जहां पूनम लॉन में सपा प्रत्याशी ने बिना अनुपंधी के बैठक की। वहीं अब पुलिस लाइन में हाजी रईस अहमद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि सपा के सदर विधायक प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पूनम लॉन को सीज किया गया है। थाना क्षेत्र सिविल लाइन्स में पूनम लॉन में बदायूं शहर के सदर सीट से सपा के प्रत्याशी श्री रईस अहमद द्वारा बिना अनुमति के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व अध्यापकों की बैठक की जा रही थी, जिस पर उचित धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और पूनम लॉन को सील कर दिया गया है। जनपद सहारनपुर के थाना बड़गांव इलाके के गांव नूनाबाड़ी में पुरानी रंजस के चलते किशोर की हत्या कर दी गई है। बता दें कि पुरानी रंजस के चलते घर में 16 वर्षीय किशोर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सूचना पर एसपी देहात अतुल शर्मा और सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के तहरीर के आधार पर गाँव के ही 5 नामजद और 2 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। बड़गांव थाना क्षेत्र के नूनाबड़ी गांव में आज रात एक 16 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई है चाकू मार करके। उक्त के संबंध में जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर मौजूद है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। परिवार वालों से प्रकरण में तहरीर लेकर के जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मृतक सर क्या जिला बदर था? जी नहीं, मृतक की उम्र तो मात्र 16 वर्ष है। हाँ, यह अवश्य है कि मृतक के पिता के विरुद्ध पूर्व के आपराधिक इतिहास के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। मथुरा में कुछ दिनों पहले वर्तमान प्रधान व प्रस्तावक रामवीर की हत्या कोकला बन में कर दी गई थी। एसओजी सर्विलांस थाना कोसी कला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम प्रधान की हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में शामिल 3 अन्य अभियुक्तों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पकड़े गए शातिर अभियुक्तों की निशानदेही पर हथियार और सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस इस हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता के बारे में भी जानकारी दी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 21 करोड़ के लिए अनुदान को अपने अनुसार खर्च करने के उद्देश्य को षड्यंत्र रचकर इस हत्या का अंजाम दिया गया है। गांव की विकास के लिए सरकार द्वारा दी गई 21 करोड़ की धनराशि के ऊपर कब्जा करने के लिए वे गांव से संबंधित अन्य कारण जो कि अमोल के मन में प्रधान जी के प्रति रंजिश पैदा हुई थी, उसी के चलते प्रधान जी को रास्ते से हटाने के लिए ये घटना प्लान की गई, जिसके लिए उसके द्वारा शूटर्स हायर किए गए और ये घटना कारित कराई गई।
इस पूरी घटना को अनावरण करने हेतु मथुरा की स्थानीय पुलिस सर्विलांस एसओजी स्वाट टीम के साथ साथ अन्य थानों की पुलिस और क्राइम टीम द्वारा अंतक मेहनत करते हुए इसका सफल अनावरण किया गया है, जिसके प्रोत्साहन हेतु एडीजी जोन आगरा सर द्वारा 50,000 की नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का रहने वाला युवक का शव नहर के पास मिला। शव को देखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस की इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी मिली कि मृतक भीम आर्मी का कार्यकर्ता था। वही भीम आर्मी के लोगों ने इस मामले का हत्या का भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र पर घंटों हंगामा किया और इन लोगों ने कुछ लोगों को नामजद किया और हंगामा करने वाले लोगों की मांग की है कि इन सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। वही इस घटना को लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने भी ट्वीट कर पंकज कुमार नाम के लड़के की डेड बॉडी मिली थी नहर में और वो बुलेट मोटरसाइकिल के साथ ही नहर में मिला हुआ था। प्राइमा पेशी देखने पर लग रहा था कि ये एक्सीडेंट है और इसको ले गया जब अस्पताल में तो इसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। आज उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दिया है कि साहब ये जो रानू सिंह है और सत्यम है और तीन अन्य लोग हैं जिनको उसने नामजद किया है कि साहब इन्होंने उसको मार दिया है, इस पर हमने हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की व्यवस्था की जा रही है। बलिया के 359 विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय यादव ने चुनाव को कई बातें कही हैं। संजय यादव ने कहा कि हमारी पार्टी में विकास और कानून का राज है। सिकंदरपुर विधानसभा ने पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज, सैनिक स्कूल, विधानसभा, चारों तरफ सड़कों का जाल, बिजली की व्यवस्था सहित सरकार की सारी योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है। आइए सुनाते हैं बीजेपी विधायक का बयान। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस विधानसभा क्षेत्र में 2017 में जब पहली बार जनता ने जिताया था तो उन्होंने जो उम्मीद किया था उस उम्मीद पे मैं पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। अगर आप देखें इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण हुआ है, जहाँ आज तक आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद मिट्टी की सड़क भी नहीं थी जिन गाँव में, वो ऐसे गाँव में हम लोगों ने पक्की सड़कों का निर्माण कराने का काम किया है। बड़ी संख्या में लगभग 250 करोड़ की सिर्फ सड़कें हमारे क्षेत्र में बनी हैं। इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में बिजली के जो हमारा ढांचा था उसको भी हमने मजबूत करने का काम किया। गांव-गांव में ऐसे ऐसे गांव थे जहां 500-500 खंभे लगाने पड़े हमको और गांव में केबल के माध्यम से बिजली आज वहां बिजली की व्यवस्था की जा रही है। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके इसके लिए पावर सब स्टेशन 2-2 हम लोगों ने बनाया, एक राजपुर में जो बन के तैयार है, दूसरा पुरुषोत्तम पट्टी में अभी बनने जा रहा है। ऐसे एक फायर का स्टेशन है जो गौरा मदनपुरा में बन रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे खरीद दरौली का पुल है, उसका निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही उसको करा दिया था और आज हमको दिखाई पड़ रहा है काफ़ी काम आगे बढ़ चुका है। हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज जो पूर में बन रहा है, बहुत बड़ा योजना हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज का पूर में बन रहा है, उसका काम भी बाउंड्री का काम पूरा हो गया और बड़े काम हमारे क्षेत्र में आए हैं हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, श्रद्धेय योगी जी के द्वारा, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां के लोगों की जबान पे है कि मैं हम लोग आज़ादी के बाद कोई ऐसा विधायक नहीं पाए थे जो इतना काम करा सके और इसलिए फिर एक बार सभी लोग सभी बातों से ऊपर उठ के हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू है, जिसके तहत सभी दलों के प्रत्याशियों के पोस्टर होर्डिंग नगर निगम की तरफ से उतार दिया गया है। वहीं प्राइम टीवी की चुनावी कवरेज के लिए आगरा पहुंची हुई थी, जहां जिले का नगर निगम और नगर आयुक्त पूरी तरह सुस्त और लापरवाह नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में अधिकांश हिस्से में राजनीतिक दलों के पोस्टर से पटे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा में,
और आपको बता दें कि प्रदेश भर में आचार संहिता लागू है, जिसमें प्रत्याशियों को काफ़ी प्रतिबंधित कर दिया जाता है पोस्टर और बैनरों को लेकर। तो आप ठीक पीछे देख सकते हैं बसपा की तरफ से रवि भारद्वाज का पोस्टर लगा हुआ है, इसमें साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि जो पोस्टर और बैनर है उसको जो नगर के प्रशासन होते हैं उनके द्वारा उतार दिया जाता है, मगर जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि रवि भारद्वाज का पोस्टर बसपा की तरफ से लगा हुआ है और प्रशासन इस पे आंख मूंदे बैठी है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय है आगरा का, जहां जिलाधिकारी कार्यालय के जो दीवार है उसको भी बैनर और पोस्टरों से रंगा हुआ है। तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन जो है वो आंख मूंदे खड़ा है, और जो होर्डिंग और पोस्टरों पे रोक लगाई गई है उससे साफ तौर पे यहाँ के प्रत्याशी नहीं मान रहे हैं, या फिर तो नगर जो विकास विभाग है, जो नगर आयुक्त है वहाँ यहाँ के, उनके द्वारा पोस्टरों को हटवाया गया है, लेकिन हो सकता है कि प्रत्याशी फिर से लगा दिए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इस वक्त में तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।